बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एम सी क्यू स्पैंट ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ मार्च के पहले और दूसरे हफ्ते के 35 प्लस पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के एम सी क्यूज शेयर करेंगे। पीडीएफ फाइल की डाउनलोडिंग आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है, पर पीडीएफ फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड और पासवर्ड आपको इसी वीडियो में मिलेगा, उसी वीडियो को टेल एंड तक देखें। इस वीडियो में आपके साथ जितने भी करंट अफेयर शेयर किए गए हैं वो सब हमारी वेबसाइट mcqspain.com पर अवेलेबल है। वो भी कम यंगेस्ट IBSF वर्ल्ड चैंपियन कौन है? दुनिया के कम उम्र तरीन IBSF यानी कि स्नोकर के वर्ल्ड चैंपियन। इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी एहसान रमजान। एहसान रमजान ने 11 मार्च 2022 को ईरानियन काउंटर पार्ट आमिर सरकोश को शिकस्त दी और ये फाइनल दोहा में खेला गया और इसकी मेज़बानी IBSF यानी कि इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नोकर फेडरेशन ने की। और एहसान रमजान ने सेमीफाइनल में जो करंट चैंपियन है जिनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से है मोहम्मद आसिफ को शिकस्त दी। ये टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च ई रेड अलर्ट सिस्टम ऑन एंड्रॉयड फोन्स इन यूक्रेन। इन गिवन ऑप्शंस में से किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने यूक्रेन की एंड्रॉयड फोन्स में से एयर रेड अलर्ट सिस्टम मुतारिफ कराया है? एयर रेड अलर्ट सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि जो वाकई लोगों को या आर्मी को ये नोटिफाइड करेगा कि आपके फिजाई हदूद में कोई दुश्मन घुस आया है। सो इन गिवन ऑप्शन में से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी गूगल। गूगल ने यूक्रेन की आवाम के लिए यानी कि यूक्रेन की गवर्नमेंट के साथ उन्होंने कोलेब्रेशन करके ये एयर रेड अलर्ट सिस्टम मुतारिफ कराया है। Which country is the largest crude oil producer in the world as of 2022? 2022 तक दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कौन सी है? इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करती है, दूसरे नंबर पर रशिया है। विच द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन कौन है? मौजूदा वजीर दाखिला यूक्रेन के। इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन डी डेमेट्रो क्यूलेबा। विच द करंट चेयरमैन ऑफ गवादर पोर्ट अथॉरिटी कौन है? मौजूदा चेयरमैन गवादर पोर्ट अथॉरिटी के। इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी नसीर खान कशानी। मौजूदा चेयरमैन है गवादर पोर्ट अथॉरिटी के। और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में NTS का पेपर हुआ था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए, उसमें ये MCQ आया था। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन विच ईयर? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस यानी कि खातून जजेस को खराज तहसीन पेश करने के लिए यानी कि उनके खिदमात और उनको मजीद इनक्रेज करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस कब से सेलिब्रेट करना शुरू किया गया? इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन डी यानी कि 2022 से ये शुरू किया गया, इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया गया। 10 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस के लिए मुंतखब किया गया है और 8 मार्च को एवरी ईयर इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सन हैज़ रिसेंटली सस्पेंडेड द ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ विच कंट्री? अभी हाल ही में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च जिसका शॉर्ट फॉर्म सन है, उसने किस मुल्क की ऑब्जर्वर स्टेटस को ख़त्म किया है? इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी रशिया। अभी हाल ही में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च सन ने जो कि 23 मेंबर स्टेट्स पर मुश्तमिल है, उन्होंने रशिया की ऑब्जर्वर स्टेटस को ख़त्म कर दिया है और इसकी मेन वजह यूक्रेन पर हमला करना है। सो यूक्रेन के साइंटिस्ट ने ये दरख्वास्त की थी कि आप रशिया की ऑब्जर्वर स्टेटस को ख़त्म करें। इसराइल्स प्रेसिडेंट मीट तुर्किश लीडर रिकब तैयब अर्दोगान इन अंकारा ऑन March 9, 2022 इन द फर्स्ट विजिट बाय एन इसराइली हेड ऑफ स्टेट टू तुर्की सेंट। इसराइल के प्रेसिडेंट ने तुर्किश प्राइम मिनिस्टर रिकब तैयब अर्दोगान से अंकारा यानी कि कैपिटल ऑफ तुर्की में 9 मार्च 2022 को मुलाकात की। तो ये किसी भी इसराइली हेड ऑफ स्टेट की जानिब से तुर्की को इन गिवन सालों में से फर्स्ट विजिट है। सो ऑप्शन बी 2007 में ये पहली बार यानी कि 2007 के बाद ये पहली बार है कि कोई इसराइली प्रेसिडेंट तुर्की का विजिट कर रहा है। क्वीन मज विक्टोरियस ऑन ए सेनेट सीट फ्रॉम सिन दैट फिल वैकेंट आफ्टर द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ PTI सेनेटर फैसल वावड़ा। कौन सेनेट की सीट पर जो कि सिंध में खाली हुई थी PTI यानी कि PTI के सेनेटर फैसल वावड़ा की डिसक्वालिफिकेशन के बाद? सो इन गिवन ऑप्शन में से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी निसार अहमद खोरो। निसार अहमद खोरो सिंध की सेनेट सीट पर कामयाब हुए हैं 9 मार्च 2022 को और इस इलेक्शन में PTI मुतहद कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एंड ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने पोलिंग से बाइकाट किया था। पाकिस्तान फर्स्ट होम टेस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन 24 ईयर्स एंडेड इन। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 24 साल बाद रावलपिंडी के मकाम पर यानी कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेला गया। सो इसका नतीजा क्या निकला? सो इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी टेम ड्रा। टेम ड्रा का मतलब ये होता है कि सेकेंड इनिंग्स में आपकी कोई विकेट नहीं गिरती और आपके दोनों बैट्समैन सेंचुरी स्कोर करते हैं। सो पाकिस्तान की जानिब से इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी स्कोर की और ये मैच ड्रा पर इख्तिताम पजीर हुआ और ये मैच 4 से 8 मार्च 2022 को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। द फर्स्ट पर्सन हु रिसीव द फर्स्ट मॉडिफाइड पिग हर्ट ट्रांसप्लांट डाइड आफ्टर डेश मंथ। वो पहला शख्स
जिसको पिक का हार्ट लगाया गया था और ये सक्सेसफुल हुआ था, वो कितने सालों के बाद उसकी मौत हुई थी? उन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी 2 months के बाद डेविड बेनेट, जिसकी उम्र 57 साल थी, उसकी मौत वाकई हुई। उसका ये ट्रांसप्लांट 7 जनवरी 2022 को किया गया और उसकी मौत 8 मार्च 2022 को हुई। अपोजिशन लीडर सबमिटेड द नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑन, कब अपोजिशन लीडर ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक जमा कराई? गिवन ऑप्शन में से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 8 मार्च 2022 को उन्होंने अपोजिशन लीडर्स ने इमरान खान के खिलाफ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई। फॉर ए नो कॉन्फिडेंस मोशन टू बी सक्सेसफुल द सपोर्ट ऑफ ए सिंपल मेजोरिटी डेज ऑफ ए टोटल 342 मेंबर्स इन द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड। अदम एतमाद तहरीक को कामयाब बनाने के लिए नेशनल असेंबली में 342 टोटल मेंबर्स की तादाद में उसमें आपको कितने मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी? सो इन गिवन ऑप्शन में से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 172 मेंबर्स की वोट की आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आप अदम एतमाद तहरीक को कामयाब बनाते हैं। 2 मार्च 2022, ये पासवर्ड है PDF फाइल का, आप इस पासवर्ड को PDF फाइल में पुट करके PDFs डाउनलोड कर सकते हैं। पाकिस्तान लॉन्च डेज फ्रेमवर्क ऑन इंटरनेशनल वुमेन डे ऑन 8 मार्च, जैसे कि आपको मैंने बताया 8 मार्च एज एन इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट होता है। सो पाकिस्तान ने इस मौके पर किस किस्म के फ्रेमवर्क को लॉन्च किया? सो गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी नेशनल जेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। सो इस पॉलिसी के तहत ये होगा कि जो वुमेन और मेल के दरमियान जो जेंडर गैप है उसको ख़त्म किया जाएगा और फीमेल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ डायरेक्टेड बैंक्स टू एम्प्लॉय एटलीस्ट 10% ऑफ वुमेन इन द फोर्स वर्क बाय 2023। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के जितने भी बैंक्स हैं उनको ये ऑर्डर्स किए कि आप 2023 तक 10% वुमेन को वर्कफोर्स में लाएं। सो इन गिवन ऑप्शन में से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 20% वुमेन्स को आपको वर्कफोर्स में लाना पड़ेगा 2023 तक। और इस अनाउंसमेंट के बारे में गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर रिजा बाकर ने 7 मार्च 2022 को एक लॉन्च सेरेमनी थी आसान डिजिटल अकाउंट के मौके पर कही। मेन फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रफीक तरार डाइड, कब पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट रफीक तरार की मौत वाकई हुई? इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन 7 मार्च 2022 को रफीक तरार की मौत वाकई हुई। सिराजुद्दीन हक्कानी मेड हिज फर्स्ट फॉर्मल पब्लिक अपेयरेंस ऑन, कब सिराजुद्दीन हक्कानी ने जो कि मोस्ट सीक्रेटिव लीडर है तालिबान के उन्होंने अपना फर्स्ट फॉर्मल पब्लिक अपेयरेंस किया? इन गिवन ऑप्शन में से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 5 मार्च 2022 को सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि इंटीरियर मिनिस्टर है अफगानिस्तान के उन्होंने अपनी फॉर्मल विजिट की। ये एक न्यू अफगान पुलिस रिक्रूट्स की जो पासिंग आउट परेड थी उसमें उन्होंने खिताब भी किया। इन मार्च 2022 द फैटएफ एडेड विच कंट्री टू इट्स इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट आल्सो नोन एज द ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट जिसे इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट भी कहा जाता है यानी कि उन पर मॉनिटरिंग ज़्यादा कर दी जाती है। सो फैटएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने मार्च 2022 में किस कंट्री को उसमें ऐड कर दिया? सो इन गिवन ऑप्शन में से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भी अब इस लिस्ट में शामिल कर दिया गया। इससे पहले पाकिस्तान और तुर्की दोनों इस लिस्ट का हिस्सा हैं लेकिन पाकिस्तान जो है वो 2 points को पूरा ना करने की वजह से उसको ग्रे लिस्ट में बरकरार रखेगा और अब दोबारा से जून जुलाई में इस पर दोबारा से रिव्यू होगा कि पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में जाना चाहिए या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अनदर पॉइंट, राजा कुमार को जो कि सिंगापुर यानी कि उनका ताल्लुक सिंगापुर से है वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे फैटएफ के फॉर ए फिक्स 2-year term। वो बिकम फर्स्ट वुमेन टू बिकम जज ऑफ द टॉप इजिप्टियन कोर्ट, कौन है ऐसी पहली खातून जो कि इजिप्ट के टॉप कोर्ट की जज बनी है? जैसे कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट होता है तो उनका अपना टॉप कोर्ट होता है। सो इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन डी रद्वा हेलमी। रद्वा हेलमी ऐसी पहली खातून है जो कि 5 मार्च 2022 को ऐसी पहली जज बनी जो कि इजिप्टियन स्टेट कौंसिल की बेंच में वो बैठी यानी कि उनकी अपॉइंटमेंट हुई। ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसको अभी हाल ही में इंटरनेशनल न्यूज़ में दिखाया गया है तो ये किस मुल्क में वाकया है? सो इन गिवन ऑप्शन में से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी यूक्रेन में और इसको अभी रशियन फोर्सेज ने इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। शेन वॉन इज अ राइट आर्म लेग स्पिनर डाइड ऑन 4 मार्च 2022, डिड ही बिलोंग टू विच कंट्री? शेन वॉन जो कि राइट आर्म लेग स्पिनर थे 4 मार्च 2022 को उनकी मौत वाकई हुई। सो उनका ताल्लुक किस मुल्क से था? सो इन द गिवन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से था। 4 मार्च 2022 को उनकी मौत वाकई हुई 52 साल की उम्र में और उन पर अचानक कोई हार्ट अटैक आया और उनकी मौत कुसेमियो थाईलैंड उधर उनकी मौत वाकई हुई। द फर्स्ट पुलिस स्टेशन फॉर वुमेन इन बलोचिस्तान ओपन इट्स डोर ऑन, बलोचिस्तान का पहला वुमेन पुलिस स्टेशन कब खोला गया? सुन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन ए 4 मार्च 2022 को बलोचिस्तान का पहला वुमेन पुलिस स्टेशन खोला गया और पाकिस्तान का पहला पुलिस स्टेशन यानी कि वुमेन पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद में खोला गया था 25 जनवरी 1994 को जिसकी इनाग्रोवेशन प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो ने की थी। ए सुसाइड ब्लास्ट किल डोजन इनसाइड ए शिया मॉस्क, शौक पेशावर कूचा
रिसालदार एरिया ऑन। पेशावर के कूचा रिसालदार एरिया में शिया मॉस्क पर सुसाइड ब्लास्ट अटैक किया गया। सो ये कब किया गया? सो इन गिवन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 4 मार्च 2022 को ये हमला किया गया और इसमें 60 से ज़ायद लोगों की मौत हुई है और 194 यानी कि 200 से ज़्यादा लोग वो जख्मी हुए हैं। विच कंट्री रिपोर्टेड द फर्स्ट पोटेंशियल केस ऑफ डियर टू ह्यूमन कोविड-19 ट्रांसमिशन? किस मुल्क ने डियर टू ह्यूमन कोविड-19 ट्रांसमिशन यानी कि हिरन से ह्यूमन को कोविड-19 ट्रांसफर हुआ है उसका पहला पोटेंशियल केस रिपोर्ट कराया है? सो इन गिवन ऑप्शन में से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी कनाडा। कनाडा ने ये पहला केस इसको रिपोर्ट कराया है जिसमें डियर से यानी कि हिरन से ह्यूमन को कोविड-19 की ट्रांसमिशन हुई है। जिना पोर्ट्रेट अनवील एट प्रेस्टीजियस लंदन क्लब ऑन? जिना का पोर्ट्रेट लंदन के प्रेस्टीजियस यानी कि पुराने क्लब में उसको अभी हाल ही में शोमैन के लिए रखा गया है। सो ये कब रखा गया? सो इनकी वन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 3 मार्च 2022 को। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान का पोर्ट्रेट नेशनल लिबरल क्लब जो कि लंदन में वाकिया है इसको रखा गया। पाकिस्तान ऑनडेज साइन एन एग्रीमेंट विद द सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट फॉर सस्पेंशन ऑफ डेप्थ। कब पाकिस्तान ने सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट यानी कि SFD के साथ डेप्थ की सस्पेंशन के लिए एग्रीमेंट साइन किया? इन गिवन ऑप्शन में से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 3 मार्च 2022 को पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने डेप्थ की सस्पेंशन के लिए एग्रीमेंट साइन किए। उज़्बेक प्रेसिडेंट हैज अराइव्ड इन इस्लामाबाद ऑन March 3 and 4, 2022 ने उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान को दौरा किया 3 मार्च and 4 मार्च 2022 को। सोने का क्या नाम है? सो इन द गिवन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी शफकत मिर्ज़ियोयेव। पाकिस्तान कमिश्नर फॉर इंडस वाटर्स इज? पाकिस्तान के मौजूदा कमिश्नर इंडस वाटर्स के लिए कौन है? सो इन द गिवन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी मेहर अली शाह। मौजूदा पाकिस्तानी कमिश्नर है फॉर इंडस वाटर। विच पाकिस्तानी फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सेलेक्टेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्सेलेंस अवार्ड 2022? किस पाकिस्तान के फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्सेलेंस अवार्ड 2022 से नवाजा गया? सो इन गिवन ऑप्शन में से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए आसिफ सईद खान कोसा को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्सेलेंस अवार्ड 2022 से नवाजा गया। द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर रूपीज 1 trillion इन द फर्स्ट 8 months ऑफ द करंट फिस्कल ईयर, यानी कि पाकिस्तान का जो फिस्कल ईयर है वो जून जुलाई से शुरू होता है। सो इस फिस्कल ईयर के यानी कि 2022 के शुरू 8 months में FBR ने कितनी ट्रिलियन रकम जमा कर लिया? सो इन गिवन ऑप्शन में से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 3.79 trillion उन्होंने ये रकम जमा कर ली है। रॉनी मार्श फॉर्मर क्रिकेटर डाइड ऑन 4 मार्च 2022, ही बिलोंग टू विच कंट्री? रॉनी मार्श जो कि 4 मार्च 2022 को उनकी मौत वाकई हुई, ये भी क्रिकेटर थे, सो ये किस मुल्क से बिलोंग करते थे? सो इन गिवन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। यूरोपियन यूनियन ऑन डेश कट 7 रशियन बैंक्स फ्रॉम द स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम। यूरोपियन यूनियन ने कब 7 रशियन बैंक्स को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम यानी कि जो ऑल ओवर द ग्लोब आप इसके थ्रू मनी ट्रांसफर कर सकते सो उसको कट कराया रशियन बैंक से? सो इन गिवन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी March 2, 2022 को यूरोपियन यूनियन ने रशियन बैंक से स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम खत्म कराया। हुई द ग्रांट आई जब बलूचिस्तान पुलिस, कौन है मौजूदा इंस्पेक्टर जनरल बलूचिस्तान पुलिस के? सुन द गिवन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी मोहसिन हसन बट न्यू इंस्पेक्टर जनरल है बलूचिस्तान पुलिस के। विच कंट्री अप्रूव वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट डिराइव कोविड-19 वैक्सीन? किस मुल्क ने अभी हाल ही में दुनिया का पहला ऐसा प्लांट मुतारिफ कराया है जिससे कोविड-19 की वैक्सीन ली जाएगी? सो इन गिवन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी कनाडा ने ऐसा पहला प्लांट मुतारिफ कराया है।